हेलो एवरीवन, माय नेम इज संतोष और आप देख रहे हैं सुपर स्टॉक्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको यह बताने वाला हूं इफेक्टिव आरएस और एलएसएम का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे आपको राइट ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ पे ट्रेंड को आप इजीली यहाँ पे कैसे फाइंड कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे कई सारे लोग यहाँ पे आरएसआई को 30 और 70 में यूज करते हैं, बट मैंने यहाँ पे दोस्तों इफेक्टिव आरएसआई में यहाँ पे कई सारे एडिशनल चीजें ऐड किए हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे 80 पे एक लाइन लगा दिया मैंने, 60 पे और एक 50 और 40 और 20 पे, इसमें से ग्रीन, रेड और एक ब्लैक। जैसे कि आप देख सकते हैं, मार्केट ने लगभग 80 और 40 के बीच में चलता है। और यहाँ पे अगर मार्केट को कैसे हमें बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पे कई लोग इसे यूज़ करते हैं, ओवरबॉट ओवरसोल्ड। तो हम यहाँ पे सिंपल सी बात करेंगे, यहाँ पे अगर इस ट्रेंड पे है, मार्केट गिरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर इस लेवल पे है 20 पे, तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो चीज़ें ऐड की हुई है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा अगर आप मार्केट में नए हो तो। तो यहाँ पे जो मैंने ग्रीन और रेड लाइन लगाई, इसमें ये आपको इंडिकेटर स्क्रिप्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री में मिल जाएगा, वहाँ से इसे आप डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंट्री कहाँ हमें करना है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे देखिए, मैंने एलएसएम में ले लिया। यहाँ पे आप किसी भी ब्रोकर के चार्ट में यहाँ पे इसे लगा सकते हो। इसके सेटिंग में हमें कुछ भी चर्चा नहीं करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि एलएसएम में इसके ऊपर से चल रहा है, यानी डाउन ट्रेंड में है मार्केट अभी। हमें 5 मिनट के चार्ट पे इसे यूज़ करना है। आप 15 मिनट पे भी इसे यूज़ कर सकते हैं, पर 5 मिनट के आपको ज़्यादा ट्रेड मिलेंगे, तो हमें यहाँ पे 5 मिनट पे ही इसे लेना है। दोस्तों, यहाँ पे इसका जो एलएसएम का जो यूज़ होता है, आप देख सकते हैं, अगर ये नीचे से है यानी मार्केट अप ट्रेंड में, इसके ऊपर से है डाउन ट्रेंड में है, तो हमें यहाँ पे दोनों पता चल जाएगा कि यहाँ पे ट्रेंड कौन सा है, इजीली हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मार्केट लगभग यहाँ पे था 40 और 50 के बीच में चल रहा था, लगभग इसने 50 को क्रॉस कर दिया। तो यहाँ पे देखिएगा, एक कैंडल बनी थी ग्रीन, कहीं ना कहीं ये ग्रीन कैंडल पकड़ लो आप, जैसे कि यहाँ पे 60 पे आता है, ठीक है। तो यहाँ हमें बाइंग कर सकते थे। मैंने बोला था आपको, अगर मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा है तो हम बाइंग का सोचेंगे, अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है तो यहाँ पे हम सेलिंग का सोचेंगे। यहाँ हमें बाइंग नहीं करना है और यहाँ हमें सेलिंग नहीं करना है। एक ग्रीन कैनल फॉर्म किया इसने, ठीक है। तो जैसे कि इसने यहाँ पे लगभग इसे 60 को भी क्रॉस कर लिया, तो यहाँ हम बाइंग का सोचते थे, बिकॉज यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेंड अप ट्रेंड है। यहाँ पे देखिएगा, जब ये ग्रीन कैनल बनी तो जो हमारे एलएसएम है इसके नीचे चल रहा गया था, तो कहीं ना कहीं हमें एक ट्रेंड का पता चल गया था। सेकेंड थिंग, हमें यहाँ पे जो आरएसआई है 60 पे था, तो यहाँ पे हम बाइंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम बाइंग करते इस कैनल के ऊपर, इसके ऊपर हम बाइंग करना है। क्लोजिंग के बाद हमें क्या करना है, बाइंग करने के बाद हमें कितना टारगेट मिला, यहाँ पे 140 पॉइंट लगभग मिले हैं। तो हमें यहाँ पे इतना टारगेट नहीं रखना है, फर्स्ट टारगेट हमें यहाँ पे 50 पॉइंट रखना है, जो कि यहाँ पे अगर 50 पॉइंट हो जाता है तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना है। जैसे कि आपको यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस यहाँ लगाया था अपने प्रीवियस कैंडल के पीछे, लो पे या फिर आगे नीचे, तो उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ का जो एसएल है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लगा देना है। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता है, आपको एसएल ऊपर लेके जाना है। यहाँ पे देखिए, मार्केट नीचे आ गया तो आपका ये भी एसएल हिट हो जाना चाहिए। जितना आपने यहाँ पे प्रॉफिट लिया था, तो सबका आपका प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। ये आपको दिमाग लगा के करना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका खुद का जो स्टॉप लॉस है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में लगाने के लिए। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, जैसे ही मार्केट 40 पे आने के बाद, देखिएगा यहाँ पे इस लेवल पे, यहाँ पे जो आपने ग्रीन लाइन लगाई है, एग्जैक्ट यहीं पे आके मार्केट ने बाउंस गैप अप ओपन हुआ, और थोड़ा आप देखिएगा मार्केट थोड़ा डाउन साइड मूवमेंट किया, और यहाँ पे देखिएगा एग्जैक्ट 60 पे हमें एक ट्रेड मिला। डाउन ट्रेंड में एलएसएम में था, ये भी देखिएगा, पहले अप ट्रेंड में था, हमें एग्जैक्ट इस कैंडल के नीचे, यहाँ पे देखिएगा कहीं ना कहीं इसके नीचे कैंडल क्लोज हुआ, हम क्या करते यहाँ पे इसके नीचे पुट एंट्री सोचते थे। दोस्तों, ये सेटअप काफ़ी ज़बरदस्त यूज़ करता है। बस आपको कोई भी सेटअप यूज़ कर रहे हो तो उसे यहाँ पे पहले टेस्टिंग करना ज़रूरी होता है।
बिकॉज यहाँ पे कई सारे लोग होते हैं डायरेक्टली हमें यहाँ पे से देखते हैं, बस निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो यहाँ पे चल रहा है ये देखेंगे, यहाँ पे चार्ट को नहीं देखेंगे। चार्ट को देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, चार्ट पे जैसे ही आप एंट्री लोगे तो आपको बाकी की चीज़ें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी। तो हमें क्या करना था, इसके नीचे हमें पुट एंट्री लेनी थी। तो जैसे कि हमने यहाँ पे पुट एंट्री ली थी, हमें क्या करना था, सेकंड कंडीशन हमारी ये थी RSI डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमें जो रेड लाइन थी इसको मार्केट ने क्रॉस किया, तो यह हमें पुट एंट्री ले ली। यहाँ पे देखिएगा लगभग हमें यहाँ पे 100 पॉइंट तो मिल गए थे, 110 पॉइंट मिले हैं। तो हमें, मैंने जैसे कहा था आपको, SL हमें यहाँ पे प्रीवियस कैंडल के पीछे लगा सकते हैं 50 लगभग, कितने पॉइंट का होता है यहाँ पे 33 पॉइंट का होता है। तो हमें यहाँ पे SL लगाना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, अगर मार्केट पीछे भी जाता है तो आपको लॉस होगा, बट दोस्तों हमें यहाँ पे आपका जो कैपिटल है वो आपका बचा रहेगा। तो यहाँ पे जैसे मार्केट नीचे नीचे आ रहा है तो हमें यहाँ पे जो SL था वो आगे आगे लेके जाना है, जैसे कि मार्केट पीछे रिवर्स होता है तो हमारा यहाँ पे लॉस ना हो सके। तो ठीक है, यहाँ पे अभी देखिएगा गले से मैंने यहाँ पे इसको नीचे से क्रॉस किया, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे पता चल गया कि मार्केट अप ट्रेंड में है, अभी मार्केट ऊपर जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते थे, हम RSI को देखेंगे। अभी RSI कहा था हमारा, यहाँ पे देखिएगा RSI एग्जैक्ट 40 पे आया, जो हमारा फर्स्ट टारगेट रखते थे हम यहाँ पर 50 रख सकते थे, और सेकेंड टारगेट हम यहाँ पे 60, अगर मार्केट इसके ऊपर भी जाता है तो हम यहाँ पे 80 थर्ड टारगेट रख सकते थे। बट यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या हुआ, राइट एंट्री हुआ, जैसे कि यहाँ पे देखिए 40 पे हमने राइट एंट्री लिया था, हमें मार्केट का ट्रेंड भी पता चल गया था यहाँ पे एग्जैक्ट एक कैनल क्लोज होने के बाद सेकेंड कैनल पे ही। तो हमें क्या करना था, यहाँ पे उसके ऊपर ट्रेड लेना था, सेकेंड कंडीशन में हमारा मार्केट बैठा था लगभग, हमें यहाँ पे बाइंग करना था तो उसके ऊपर हम बाइंग करते, तो यहाँ पे भी हमें लगभग 100 पॉइंट इजीली मिल जाते। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त वर्क करता है, बस आपको कंसिस्टेंसी रखना है, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में। कभी भी आपको यहाँ पे एंट्री जब लेते हो तो आपके ट्रेडिंग सिस्टम पे आपका यहाँ पे फोकस होना चाहिए, ना कि आपके PL पे। अगर आप PL पे ज़्यादा फोकस करोगे तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं डर लगेगा और आप एग्जिट कर दोगे पोजीशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कैंडल बना था, तो यहाँ पे हम अगर हमने यहाँ पे एंट्री ली होती तो यहाँ पे हमें लगभग देखिए 50 पॉइंट इजीली मिल जाते। तो ये देखना ज़रूरी है कि हम यहाँ पे जो हम एंट्री ले रहे हैं वो किस बेस पे ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देख सकते यहाँ पे 60 पे मार्केट था और डाउन साइड मूवमेंट किया इसने, तो यहाँ पे हम एंट्री ले सकते थे। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे अप ट्रेंड में देखिए मार्केट इसके नीचे आया, तो कहीं ना कहीं हमें सेकंड कैनल पे पता चल गया था, और यहाँ पे देखिए 60 को इसने क्रॉस किया। अगर डाउन ट्रेंड में है RSI है तो हम यहाँ पे इजीली पुट लेंगे, पर अगर मार्केट अगर अप ट्रेंड में है और RSI को इसने क्रॉस किया अपसाइड मूवमेंट, ये मैं देखिए यहाँ पे लगभग 64 पे आने के बाद, तो कहीं ना कहीं इस कैनल के ऊपर हम यहाँ पे बाइंग का सोचते थे। और देखिए मार्केट कितना ऊपर गया, अगर हमें एग्जिट भी करना था तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं मार्केट जब इसको क्रॉस किया कैनल में बीच में पीरियड में, तो यहाँ पे हम एग्जिट करते थे, भी हमें एक ट्रेड मिलता था लगभग 100 पॉइंट का। जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे देखिएगा गले से मैंने ऊपर से गया तो कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड में चला गया था। तो RSI हमारा क्या कहता है, यहाँ पे 60 पे था और थोड़ा सा इसने डाउन साइड क्रॉस कर लिया, तो इस लाइन को इसने क्रॉस किया यानी मार्केट डाउन ट्रेंड में आ चुका है। पहले इसने आपको बता दिया था जैसे में कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, सेकंड कन्फर्मेशन आपका हो गया था। तो यहाँ हम पुट एंट्री लेते और हमारा जो टारगेट था 150, और यहाँ पे अगर 40 भी रखते तो यहाँ पे हमारे दोनों टारगेट इजीली कम्प्लीट हो जाते। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ने लगभग आपको मैंने बोला था 100 पॉइंट इजीली दे दिए थे, तो यहाँ पे हम एंट्री बना सकते थे। दोस्तों यहाँ पे जो सेटअप है काफ़ी ज़बरदस्त वर्क करता है, आप इसे लाइव मार्केट में यूज़ कीजिएगा। जैसे कि आज लाइव मार्केट आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट मार्केट इस साइड में था, तो यहाँ हम इसके ऊपर ही हम पोजिशन बना सकते थे एग्जैक्ट कल के दिन में, और एक्यूरेट हम यहाँ पे कहीं ना कहीं एंट्री लेने के बाद मार्केट देखिए कितना बूम होगा। तो हमें यहाँ पे तीनों टारगेट इजीली कम्प्लीट हो गए थे यहाँ पे, और यही से आप देख सकते हैं मार्केट कहीं ना कहीं डाउन साइड मूवमेंट किया इसने। तो यहाँ पे अगर मार्केट आज देखते हैं, हमें डाउन ट्रेंड का पता कब चला, लगभग आप देख सकते हैं 9:50 पे हमें डाउन ट्रेंड का पता चला,
क्योंकि LSMA जो है था इसके ऊपर से चला गया था और आप देख सकते हैं मार्केट कितने जोरों से गिर रहा है। यहाँ पे जो एक लेवल दी गई है देखिए, यहाँ पे तो इजीली आ ही जाएगा मार्केट, तो यहाँ पे आपको ये इसका जो यूज़ है कितना ज़बरदस्त है। आप इसे लाइव मार्केट में आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त वर्क कर रहा है ये। तो यहाँ पे आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइए। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।